आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम ठीक आ रही है, आ रही है मैम आवाज, आ रही है। चलेंगे ठीक है, ओके बेटा मैं नेचर किंडर मेरे पास नंबर वन है, आ रही है मैम। ओके बच्चे, डेटा बाइनेशन हमारे पास है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम लोग कहते हैं ये वो डेटा होता है जो कि हमारे डेटा की वो क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि हमारे डेटा की क्वालिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि क्या हमारा डेटा जो है वो जैसे हम यहाँ पे अगर हम हेयर कलर ले लें तो हमारा हम ये कहें कि हमारा जो हेयर कलर है वो डार्क ब्राउन है या फिर वो लाइट ब्राउन है। हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते कि हमारा जो हेयर कलर है वो 20% ब्राउन है या 20% ब्लैक है, ठीक है, या 10% ब्लैक है। हम वहां पर उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको कोई ना कोई लेबलिंग दे देते हैं कि हम उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। इन अदर वर्ड्स जो नॉन न्यूमेरिकल वे के अंदर डेटा होगा वो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस को तो वैसे मेजर किया जा सकता है। ये क्या कहते हैं, स्किन कलर जो है हमारा, स्किन कलर में हमारे क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, हम ये कहेंगे कि हम जो है वो हमारा कलर डार्क ब्राउन है या हम कहेंगे कि हमारा कलर जो है वो लाइट है, ये हमारे पास क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, हमारा आई कलर क्या है, हमारा ये जिन चीजों का हम लेबलिंग देंगे या जो नॉन न्यूमेरिकल वे के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आ जाएगा। देन क्वांटिटेटिव डाटा, उसके नेम की तरफ अगर आप लोग जाओ तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हो उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। जैसा कि हम चीनी लेने के लिए जाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि 1 kg दे दें, 2 kg दे दें। अब वहां पर हम उसकी क्वालिटी को देख, क्वालिटी तो हम ऐसे देख ही लेते हैं लेकिन हम वहां पर उसे क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं, हम उसे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होगा, देन फिर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि ये वो डाटा होता है जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक जंप्स आते हैं, इसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। और वो डाटा जैसा कि हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4। अब ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक जंप्स आ गए, ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा हो गया। ठीक है, या फिर हम कहने 2, 4, 6, 8, हमें पता है 8 के बाद 10 आएगा, तो वो क्या हो गया, हमारे पास डिस्क्रीट डाटा हो गया, वो डाटा जो कि काउंटेबल हो। ठीक है, अब काउंटेबल हो मतलब के उसको हम काउंट कर सके, वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के अंदर आ जाएगा। जबकि कॉन्टिन्यूस डेटा, ये वो डेटा होता है जो अनकाउंटेबल होता है, जो कि कॉन्टिन्यूटी फॉर्म के अंदर अक्कर कर रहा होता है, तो हमारे पास एक इंटरवल फॉर्म के अंदर गिवन होता है। जैसे कि हमें ये बात कही जाए कि आप लोगों ने एक इंटरवल लेना है 5 to 8। अब 5 to 8 के दरमियान इंटरवल की अगर बात हुई, उन्होंने हमसे ये कहा कि आपने इंटरवल लेना 5 to 8 का, तो 5 to 8 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज अक्कर करेंगे वो सारी हम उसको कंसीडर करेंगे। और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5.001, 5.002, 5.003। अब 00 की सीरीज खत्म हो गई तो फिर 0102 की स्टार्ट हो जाएगी, उसकी खत्म हो गई फिर 12 की स्टार्ट हो जाएगी, फिर 12 की खत्म हो गई फिर 21 की। इस तरह से वो क्या है कि हमारे पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी, जहाँ पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाए वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सिंपल वर्ड्स हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा में हम न्यूमेरिकल वो डेटा जिसको हम न्यूमेरिकल वे में डिस्क्राइब ना कर सके वो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जबकि डिस्क्रीट डेटा वो डेटा जो के काउंटेबल हो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल फॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी। जी आई है समझ इस बात की? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। कंटिन्यूअस डेटा में नीचे क्या लिखा हुआ है, हाइट और हाइट बोथ ऑफ द, क्या लिखा
data whose possible values are countable and which may assume any value in interval is called continuous data. For example, 2 to 4 infinite number height. अच्छा, ये जो हमारी हाइट है ना, ये हमारी बहुत डिस्क्रीट डेटा के अंदर भी आ जाती है और कॉन्टिन्यूस डेटा में भी आ सकती है. ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को बेशक छोड़ दें, आप अपने कोई एग्जाम्पल कीजिएगा कंफर्म. अच्छा बच्चे, एक कोशिश कीजिएगा ऐसा ना हो कि ऐसे तो खाली आपके एमसीक्यूज ही होंगे. अगर आप लोगों का थियोरेटिकल फॉर्म में कोई पेपर हुआ, अगर ऐसे कोई चांसेस बन गए, यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है, तो अपने एग्जाम्पल्स काइंडली नोट डाउन कीजिएगा अपने उस पे पेपर पे. ठीक है, और कोई भी अपने एग्जाम्पल लेने तो वो खुद से सोचा करें कि आपने क्या एग्जाम्पल लेनी है. ठीक है, ओके मैम. यस, कंटीन्यूअस डाटा को दोबारा रिपीट कर दें. कंटीन्यूअस डाटा? यस मैम. अच्छा जी, कंटीन्यूअस डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जो कि कंटिन्यूटी फॉर्म के अंदर होता है, या फिर हम इसको ये कहते हैं कि वो डाटा जो कि इनफाइनाइट फॉर्म में हो, जो कि काउंटेबल ना हो. ठीक है, वो डाटा जो कि काउंटेबल ना हो, जिसको हम काउंट ना कर सके, वो हमारे पास कंटीन्यूअस डाटा होता है. और उस डाटा के अंदर हम कहते हैं कि हमारे हम इंटरवल को डिस्कस कर रहे होते हैं. मतलब वहां पर हम अगर कह रहे हैं कि 2 to 4 इंटरवल के अंदर हमने वैल्यूज लेनी है, 2 to 4 इंटरवल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है. वो नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे हो जाएंगे कि हमारे पास 2.001, 2.002, 2.003 वो हमारे पास कंटीन्यूअस डेटा हो जाएगा. जी, बात समझ आई है इस बात के? यस मैम. यस मैम, इसके एग्जांपल भी बता देंगे. मैम इसके एग्जांपल बता दें, हाइट बोथ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस. अल्लाह हू अकबर. अच्छा जी, हाइट जो है वो डिस्क्रीट भी है और कॉन्टिन्यूस दोनों फॉर्म के अंदर है. जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि हाइट हमारे पास है 5'4". ठीक है, अब 5'4" मतलब 5.4, और 5.4 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5.5. ठीक है, ऐसी बात है. अब 5.4 एंड 5.5, अब वो क्या हो गया, वो जंप आया. ऐसी बात है, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट है. लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर देखें तो 5 से 4 के दरमियान 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 वो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी फॉर्म के अंदर भी आ रही है. तो हाइट जो है वो हमारी दोनों है, वो हमारी डिस्क्रीट में भी आ जाती है एंड देन कॉन्टिन्यूस के अंदर भी आ जाती है. जी 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 बोले. डिस्क्राइब करती है, जो हमारे डेटा की पोजिशन के बारे में हमें बताती है कि हमारे डेटा की पोजिशन क्या है, हमारे डेटा की एविजन वैल्यूज क्या आ रही है, और वो हमें सेंट्रल टेंडेंसी बताती है. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमें अगर जैसे कि हम लोग अपने एग्जांपल लें क्लास के, कि हम क्लास में जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपकी जीपीए क्या है, तो हर स्टूडेंट से हम जीपीए पूछने से बेटर है कि हम लोग कहें कि इनकी इस क्लास की जो एवरेज जीपीए है, इनकी क्लास की जो वो आ रही है 3.64. और 3.64 का मतलब ये नहीं होगा कि 3.64 जो है वो सब स्टूडेंट्स की जीपीए, उसका ये मतलब होगा कि 3.64 जीपीए फिर से मतलब 3.64 के इर्द गिर्द जो है वो हमारा जो वैल्यूज है वो अक्कर कर रही है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें हमारे डेटा की लोकेशन, उसकी पोजीशन के बारे में बताती है कि हमारा डेटा बेसिकली कहाँ पर लोकेट कर रहा है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर फर्दर टाइप्स है अरिथमेटिक मीन, टेंडेंट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है. फिर मीडियन आ जाते हैं, मीडियन के अंदर हम क्वांटाइल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. क्वांटाइल पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल. जबकि उसके बाद हमारे पास मॉड आ जाता है. मॉड हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिमॉड, बाई मॉड एंड देन ट्राई मॉड होता है.
ठीक है। अब मीन आ गया हमारे पास, मीन के अंदर हम कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन हम लोग कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको आपने एड अप करना है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड कर देना है। वही एट्थ क्लास का फॉर्मूला एवरेज फाइंड आउट करने का, ठीक है, मतलब x1 plus x2 plus x3 up to so on plus xn divided by n, ठीक है। अब जब ये एडिशन हो गया तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन का साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सम ऑफ xi divided by n, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है, समझ आई है? यस मैम, यस मैम, ओके जी। और बच्चे x बार को हम लोग, अगर हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है सैंपल का तो हम उस पर x बार रिनोट करेंगे एंड देन फार्मूला बन जाएगा सम ऑफ x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। सैंपल के लिए हम हमेशा स्मॉल n यूज करेंगे एंड देन वहां पर x बार यूज होगा मीन। और अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग म्यू कहेंगे, म्यू इज इक्वल टू सम ऑफ x i डिवाइडेड बाय स्मॉल n। सैंपल के लिए स्मॉल n होगा, पॉपुलेशन के लिए कैपिटल n होगा, ठीक है। सैंपल के लिए x बार होगा, पॉपुलेशन के लिए म्यू होगा, ये डिफरेंस है, सिर्फ सिर्फ नोटेशन के अंदर डिफरेंस है, बाकी उनका जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं म्यू को डिनोट कैसे करते हैं? बच्चा आप म्यू के दो, म्यू की बिसाखियां बना लें ऐसे, पहले लाइन लगाए देन उसके बाद यू लिखे हैं, ठीक है, समझ आई है आपको? जी मैम, ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ज्योमेट्रिक मीन हम कहते हैं कि इसका डेफिनेशन हमारे पास है द पॉजिटिव nth रूट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब पॉजिटिव nth रूट का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास nth रूट n into x1 multiplied by x2 multiplied by x3 up to so on, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला है gm that is equal to nth root of x1 multiplied by x2 multiplied by x3 up to so on multiplied by xn। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, हम log अप्लाई करें तो यहाँ पर इक्वालिटी किस तरफ आ जाएगा, log of gm ज्योमेट्रिक मीन डेट इज इक्वल टू, अब जो वन ओवर एन है पावर में तो लॉग जब भी अप्लाई करते हैं तो वो उसका स्टार्ट में आ जाता है, आ जाएगा वन ओवर एन इंटू लॉग ऑफ एक्स वन, ठीक है। अब जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो उसके ऊपर लॉग अप्लाई करें तो वो किसमें चेंज हो जाती है, तो log of x1 plus log of x2, ठीक है, plus log of x3 up to so on, ठीक है। अब वहां पर ये क्या हो गया हमारे पास कि हम इसे लिख सकते हैं वन ओवर एन इन टू समीशन ऑफ log of xi, लिखा जा सकता है इसको जी क्लास? जी मैम, अब हमारे पास इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ हमारे पास है log of gm। अब हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लेना, log of ज्योमेट्रिक मीन का तो फॉर्मूला लेना ही नहीं है, ऐसी बात है जी मैम, यस मैम। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, और जो log इक्वालिटी के दूसरी तरफ था वो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, एंटी log इंटू समीशन ऑफ log ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, समझ आई है बात? आ गई है जी, ठीक, शुक्रिया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब हम लोग हम जो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं उस नंबर ऑफ वैल्यूज से हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाता है, वो हमें एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वन ओवर एक्स आई, नहीं ठीक है,
इसका फॉर्मूला है, इसका रिपीट फॉर्मूला वो हमारे पास है, एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वन ओवर एक्स आई, ठीक? यस मैम। देन उसके बाद हमारे पास, ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया ले रहे हैं बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन। मीडियन को हम कहते हैं द मोस्ट नंबर ऑफ आवर डेटा सेट, इट कैन बी अटेंड ऑन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। वो वैल्यूज जो कि हमारे डेटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उस वक्त जब अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। मतलब हमारे पास कोई डेटा बड़ा होगा उसको हमने पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन उसके बाद हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मीडियन है। अब मीडियन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड नंबर में है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास इवन नंबर में है। अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन नंबर में है तो फिर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है बच्चे वो इवन नंबर में है, और ऑड नंबर में है इवन नंबर में, आप देख रहे हैं। आप लोगों को ये बेसिक्स इस तरह से करवा रही है ताकि आप लोगों को आगे जाके आसानी हो जाए, ठीक है? अभी आपका जो कोर्स है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसे फिर सिर्फ आपकी बेसिक्स है। अगर आप बेसिक करोगे तो आपको आगे से समझ जाएगी, वरना फिर आपको आगे से समझ नहीं आएगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटाइल पॉइंट्स। इसको नोट से आपको सेंड कर दूं कि अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पर। क्वांटाइल पॉइंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। अगर हम इनके नेम की तरफ जाएं तो क्वार्टाइल जो है वो क्वार्टर से निकला है, मतलब वो वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है? देन जी समझ आ गई मुझे। अच्छा जी, ये स्ट्रेंज वाला कैसे होता है भाई, मैं इसे भूल रही हूँ थोड़ा बहुत। मैम दरमियान में ग्रीन आइकन है वहां से स्क्रीन आ रहा है, आगे स्क्रीन के आगे मेरे पास आ रहा है स्क्रीन ब्रॉडकास्ट जूम स्टार्ट ब्रॉडकास्ट माइक्रोफोन। मैम आपके पास गैलरी में पिक होगी ना, तो आप नीचे गैलरी का ऑप्शन भी होता है फोटोज में। अच्छा मेरे पास गैलरी में, मैम गैलरी नहीं है ना, मैम पिक बना ले। अल्लाह अब पिक दूर है भाई, मुझे ढूंढने पड़ेंगे वो नोट्स। इट्स ओके मैम, आप पढ़ाएं। शुक्रिया भाई। अच्छा जी, अब क्वार्टाइल का अगर हम उसके नेम की तरफ देखें तो क्वार्टाइल जो है वो
हम कहते हैं कि वो वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जे इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री के फॉर्म में होते हैं। क्यू वन डेट इज इक्वल टू वन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे आपको कहीं पे लिख के दिखा देती हूँ, चले क्यू वन का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू वन, ये आपको कलर नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम, फॉर्मूला होता है क्यू ऑफ जे इंटू डेट इज इक्वल टू जे जे इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्यू वन का फॉर्मूला हम लोग कहेंगे जहाँ पे जे होगा वहां पे हम वन पुट कर देंगे, क्यू वन डेट इज इक्वल टू वन पुट करें ना करें एक ही बात होती है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्यू वन का फॉर्मूला होगा आपके पास। देन क्यू टू का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, जहाँ पर जे है वहां पर आप टू ऑफ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू टू डेट इज इक्वल टू टू इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी तरह से क्यू थ्री हमारे पास हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी हमारे पास जो क्यू वन है इसमें हम कहते हैं कि ये लोअर क्वार्टाइल है, क्यू टू हमारे पास जो है वो मीडियन होता है, एंड देन क्यू थ्री वो हमारे पास अपर क्वार्टाइल होता है। अब क्यू टू हमारे पास मीडियन कैसे होता है कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू हो जाएगा, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू जो है वो हमने मीडियन का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम समझ आइए इस बात के थ्री को अपर कहते हैं, क्यू वन को हम लोग लोअर बोलेंगे, ठीक है, क्यू टू को हम लोग मीडियन बोलेंगे, एंड देन क्यू थ्री को हम लोग अपर बोलेंगे, ठीक है। बेशक आप लोग कहीं लिख लें, जी जी बोले मैम, बस क्यू थ्री तक या क्यू फोर में होगा जी, वही मैं बोलने लगी थी, अब मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो बोलने का। क्यू थ्री होते हम लोग, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम क्यू थ्री के अलावा क्यू फोर की तरफ नहीं जाते बच्चे, क्योंकि जो क्यू थ्री होता है मतलब जो हमारा अपर क्वार्टाइल होता है वो हमारे डेटा को फोर पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मीडियन है ना, मीडियन एक वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे डाटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, समझ आई बात की? यस मैम, यस मैम। क्वार्टाइल के अंदर मैक्सिमम आप लोग जो है वो क्यू थ्री तक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। आप क्यू फोर करोगे तो वो डाटा को हमारे पास वो वैल्यूज होती है हमारे पास के हम अपने, अब बताए डी साइन हम कहा मैक्सिमम वैल्यू कौन से फाइंड आउट कर सकते हैं, डी वन से लेके कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? मैम नाइन तक। जी जी जी, नाइन्थ तक जाएंगे क्योंकि नाइन्थ वैल्यू जो है वो हमारे डेटा को टेन पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। हम डी ऑफ टेन फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम डी ऑफ नाइन तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मुझे बताएं कि परसेंटाइल क्या होता होगा? मैम जिसको पांच ऑब्जर्वेशन से जो 100 में डिवाइड करे। जी जी, जबरदस्त। 100 में भी हो सकता है,
जी 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 जो हमारे डाटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलिएगा कोई एक स्टूडेंट। जी 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 जबरदस्त, यही फॉर्मूला होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं? P99 तक। ठीक है, वाह आप लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो। ऐसे समझे थे कि सर को स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं है। यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम पढ़ रहे हैं। सिलेबस पर लीजिएगा, वो तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। मुझे क्या पता है कि वो आप हर टीचर को उसके मुंह के सामने ही कह रहे होते हो कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और टीचर के बैग पे आप लोग कहते हो पढ़ाने में अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। अब दुआ करें कि मैं आपको ऐसे अच्छा पढ़ाती रहूं और आपको ऐसे अच्छा समझ आता रहे, ठीक है? इंशाल्लाह। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ आ जाते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ आते हैं। कोई बच्चा थक तो नहीं गया? नो मैम। अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि वहां पर हम लोग अपने डिस्पर्स्ड वैल्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे डाटा की डिस्पर्स्ड वैल्यूज क्या है, हमारे डाटा कितना एक दूसरे वैल्यूज से है, वो कितनी एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी डेटा की लोकेशन या जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर से कितना दूर है, ठीक है। अब वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बता रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी हमें बता रहा है कि ये हमारा मिडल पॉइंट है और इससे इर्द गिर्द वैल्यूज अक्कर कर रही है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द होंगे और वो कितनी इर्द गिर्द होंगे, वो कितने फासले पर होंगे, उनकी क्या स्प्रेडनेस होगी, वो हमें नहीं बताता, वो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताता है, ठीक है। पता चल गया ना हमें डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम सेंट्रल टेंडेंसी की नहीं डेफिनेशन लिखी हुई, कहां पे लिखी हुआ सेंट्रल टेंडेंसी की? सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली डिफरेंस बताया हुआ है। मैंने ये कहा हुआ है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमें ये नहीं बताती कि हमारे वैल्यूज जो है वो कितनी करीब है, वो कितनी दूर है हमारे सेंट्रल, वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा के सेंट्रल पॉइंट के बारे में बताती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जबकि मेजर ऑफ जो डिस्पर्शन है वो हमें बताती है कि वो हमारी जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज को वो कितना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस पे। ठीक, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम लोग कहते हैं कि जितनी हमारी वैल्यू मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू जितनी कम आएगी उतना हमारा जो डाटा है वो ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि जैसा कि हम लोग कोक की फैक्ट्री के अंदर चले जाए, अब वहां पर आपने देखा होगा कि रेगुलर बॉटल के ऊपर 50 ml लिखा हुआ होता है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बॉटल के अंदर एक्यूरेटली 150 ml हो, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ऐसी बात है। अब वो कहते हैं कि जितना कम डिफरेंस हो 150 ml की, जितना करीब करीब हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है। जैसा कि अगर फर्ज करें वो लोग बॉटल फिल कर रहे हैं और बॉटल फिल हो जाती है 150 के बजाय 155, ठीक है। अब 155 फिल हो जाती है तो क्या होगा वो कि हमारे हम तो कहेंगे चलो अच्छी बात है, एक रेगुलर बॉटल भी वो भी अच्छी खासी फुल हुई हुई है, हा? लेकिन 155 ml अगर वो इसी तरह से फिल होती रही तो उनके तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। वो एक 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 सिप से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उससे, 5 ml का डिफरेंस हम देखें। इसी तरह से अगर 150 ml रखी हुई और आप फिल अप हो रही है 145
तो लोग छोड़ देंगे कि एक तो रेगुलर बॉटल हम लोग दे रहे हैं और वो भी आती है ठीक, तो वो उससे भी उनको नुकसान होगा कि उनकी मार्केटिंग नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि अगर हमने 150 एक सेंट्रल वैल्यू रखी हुई है तो हमारे पास मैक्सिमम अगर फ्लक्चुएट करनी है हमारी वैल्यूज में, तो वो अगर है 150 है तो वो 151 हो जाए या 152 हो जाए मैक्सिमम, इससे ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो ठीक है, इससे ज्यादा डिस्पर्स ना हो हमारी वैल्यूज, या फिर अगर 150 है तो मैक्सिमम 148 हो जाए या 149 हो जाए, इससे ज्यादा पीछे ना जाए ठीक है, जब ज्यादा डिस्पर्शन ना आए वैल्यूज के अंदर। इस वजह से हम लोग कहते हैं जितनी वैल्यूज के अंदर कम डिस्पर्शन होगी उतना जो डेटा है या उतना जो आंसर्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक आएंगे ठीक है। यस मैम ठीक है जी। फिर अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये वो डिस्पर्शन है जिसमें हम हमारे पास जो यूनिट क्वेश्चन के अंदर होता है सेम वही यूनिट हमारे पास आंसर में होता है ठीक है। यहाँ पर हम लोग कह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर किलोग्राम के अंदर यूनिट्स है तो आंसर भी हमारे पास केजी के अंदर ही आएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहते हैं मिलीग्राम में है तो आंसर भी हमारे पास मिलीग्राम्स ही आएगा ठीक है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है, जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो कहते हैं कि ये वो डिस्पर्शन है जो कि यूनिट फ्री होती है, इसमें यूनिट का कोई भी अमल दखल नहीं होता। ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं रेशियो के लिए, परसेंटेज के लिए या फिर कोफिशिएंट के लिए। इसके अंदर हमारी आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें हमारे पास आ जाता है रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज ठीक है। जबकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। अब रेंज का अगर हम जाएं तो रेंज हमने कहा कि वो किसकी टाइप है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टाइप है। अब रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। सो इसका डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू फर्स करें अगर हमारे पास 100 किलोमीटर है, देन अंडर मिनिमम वैल्यू 20 किलोमीटर है तो हमारे पास आंसर जो है वो देखें 80 किलोमीटर में आ रहा है। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यूनिट गिवन था सेम वही यूनिट हमारे पास आंसर के अंदर आया है ठीक है। यस मैम यस मैम यस मैम। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमने कहा कि वो क्या है, वो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हमने कहा कि यूनिट फ्री होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट का कोई भी अमल दखल नहीं होता कोफिशिएंट ऑफ रेंज में। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू ठीक है। अब हम वही अपना अगर देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 100 किलोमीटर है एंड मिनिमम वैल्यू 20 किलोमीटर है तो हमारे पास सॉल्व करने से आते हैं 80 किलोमीटर एड बाय 120 किलोमीटर। अब ये क्या है डिवीजन के अंदर आ रहे हैं तो वहां से हम लोग अपने उसको कैंसिल आउट कर देंगे अपने यूनिट को तो हमारे पास एक यूनिट फ्री जो है वो वैल्यू आ जाएगी डेट इज 0.67 ठीक है। यस मैम यस मैम। अब समझ आ गई कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूनिट फ्री होता है जबकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है अपने यूनिट के ऊपर ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओके बच्चे उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन इसमें हम कहते हैं कि ये डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल एंड हाफ ऑफ इट्स रेंज। हम डिफरेंस लेते हैं थर्ड क्वार्टाइल को उसके फर्स्ट क्वार्टाइल से एंड देन हाफ ऑफ इट्स रेंज, मतलब हम उन दोनों को जो हम डिफरेंस ले रहे हैं उसको हम टू पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ जाएगा।
फॉर्मूला हमारे पास बनता है Q3 - Q1 / 2 ठीक। देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो हमारे पास आ जाता है Q3 - Q1 / Q3 + Q1। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन ठीक है। मीन डेविएशन के अंदर हम लोग कहते हैं द मीन डेविएशन क्या होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। हम कहते हैं कि हम लोगों ने डेविएशन लेना है किसका डेविएशन लेना है हर ऑब्जर्वेशन के डेविएशन लेना है डेविएशन मतलब डिफरेंस लेना है उसके अरिथमेटिक मीन से और इन इस डिफरेंस को ऑल डेविएशन बीइंग काउंटेड एज पॉजिटिव इन सारी डेविएशंस को मतलब इस डिफरेंस को हम लोगों ने काउंट करना है एज ए पॉजिटिव वैल्यू ठीक है। अब वो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मीन डेविएशन डेफिनेशन है द मीन डेविएशन ऑफ सेट ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। अच्छा इसमें हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वैल्यूज को पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं वो हम इस वजह से कर रहे हैं जी ये क्यों लिखा गया वैस बिल्कुल ना लेना अटेंडेंस जी तैमूर खान कौन है तैमूर खान और अवैस तो कोई yes, ma'am. क्या मैसेज किया आपने yes, ma'am. क्या मैसेज किया आपने गलती से हो गया तो आप देखा कर ओके अब मीन डेविएशन हम देख रहे थे तो मीन डेविएशन में हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम देयर मीन इज हमने सारी डेविएशन लेनी है डिफरेंस लेना है हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के साथ एंड देन उस डेविएशन को उस डिफरेंस को हम लोगों ने पॉजिटिव काउंट करना है। ऐसा क्यों है क्योंकि मीन की एक प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो मतलब सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार हमेशा इक्वल आएगा जीरो के ठीक है। ये एक मीन की प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो ठीक। इस प्रॉपर्टी से बचने के लिए कि हमारे पास जो आंसर है वो जीरो ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसको पॉजिटिव काउंट करते हैं मतलब इसको मॉडुलस लेते हैं हम कहते हैं सम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ठीक है। मॉडुलस क्या करता है कि हमारे नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देता है ऐसी बात है जी मैम यस मैम। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें बच्चे तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्स आई की वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो है 84, 91, 72, 68, 87 and 78 ठीक है। अब अगर हमने फॉर्मूला की तरफ देखें तो वहां पर क्या है एक्स बार यूज हो रहा है एक्स बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एक्स आई अभी अभी पढ़ा है डिवाइडेड बाय एन ठीक है। ये हम लोगों ने एक्स बार के लिए फॉर्मूला पढ़ा है जी मैम। करेंगे सारी ऑब्जर्वेशन को हम लोग एड अप करेंगे तो सारे ऑब्जर्वेशन एड करने से क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाय एन एन क्या है हमारे पास 6 है तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 13 point something ठीक है या 13 या 14 इस तरह से कोई आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने हर ऑब्जर्वेशन में से अपने मीन को माइनस करना है मतलब 84 - 13, 91 - 13, 72 - 13 इस तरह से आंसर आ जाएगा डिफरेंट आंसर आ जाएंगे हमारे पास वो जैसे कि यहाँ पे 4, 11 - 8, - 12, 7 and -2 इन सबको अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर जीरो आ रहा है मतलब सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू जीरो
ठीक है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, और जीरो के इक्वल आ रहा है। उस जीरो के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको मॉडुलस ले लेते हैं, जो चीज नेगेटिव के अंदर होती है वो चीज पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। माइनस एट जो है, एट के साथ माइनस का साइन है तो वो पॉजिटिव एट हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व है तो वो पॉजिटिव ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस टू है वो पॉजिटिव टू हो जाएगा। सिंपली वैल्यू उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका वहां से आंसर आ जाएगा। जी समझ आइए इस बात के? यस मैम। ओके, देन इसके बाद आते हैं हमारे पास काफी नहीं है मैम आज के लिए। जी मैम काफी है। अच्छा मैंने यस मैम का मुझे भी पता है कि बहुत ज्यादा है, मुझे सुन ले आप। जी 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 मैम। बच्चे मैंने नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं लेनी आपके, उससे नेक्स्ट वीक मैं क्लास लूंगी, तो ये आप इसने इस वीक के अंदर कर लीजिएगा ये थोड़ा सा। मतलब मैम क्लास फिर रही तो नहीं लेनी फिर बाद में? लेनी है फिर तो मैम, रहने ही ना पढ़ाएं फिर उसमें पढ़ा ले काफी है। अगर अरेंज क्लास नहीं लेनी फिर पढ़ा दें आज। नहीं नहीं बच्चे अरेंज क्लास तो मैं दूंगी ना फिर मैम, रहने दें काफी आज के लिए। वो अरेंज क्लास में पढ़ चले जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नोट्स शेयर कर दीजिएगा, नोट्स जो आज पढ़ाए आपने। जी बच्चे मैं शेयर करती हूँ, मैं कर दूंगी शेयर। आज के लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे वो बता दें आप लोग। नो मैम थैंक यू। ओके सिया मुझे अटेंडेंस सेंड कर दी काइंडली कल की तरह से। ओके मैम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम।